नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बातचीत करते हैं मंथली मार्केट की एक्सपेक्टेशंस की। इन मंथली वीडियोस में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटीज, क्रूड, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, इन सब के क्या सपोर्ट, क्या है रेजिस्टेंस और क्या होंगे मैजिकल लेवल्स, सारी चर्चाएँ करते हैं, वो भी आगे होने वाले मंथ की। यूजुअली लोग चार्ट बनने के बाद प्रेडिक्ट करते हैं कि अब इमीडिएटली ये पॉसिबल है, लेकिन इंटेलिसिस चार्ट बनने के पहले ही आप लोगों को सब बता देता है कि कैसा कैसा चार्ट बन सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियोस बहुत पसंद आते होंगे। मैजिकल फिगर क्या होते हैं, और आज जो भी मैं स्टोरी सुनाने जाने वाला हूँ आप लोगों को, वो मैजिकल फिगर को आप लोगों को समझाएगी कि मैजिकल फिगर आप लोगों की क्या कैसे मदद करते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। इन वीडियोस के माध्यम से इंटेलिसिस डेली वीडियोस भी देता है, जहां पर आप लोगों को डेली के सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाते हैं, साथ ही साथ डेली के मैजिकल फिगर्स भी पता चल जाते हैं। तो मैजिकल फिगर क्या होते हैं? मैजिकल फिगर हमारे ऐसे फिगर होते हैं जिसके नीचे चलता है बाजार तो होता है करेक्टिव या फिर बैरिश, और मैजिकल फिगर के ऊपर अगर बाजार चलता है तो होता है बुलिश। और साथ ही साथ मंथली वीडियोज़ भी डालते हैं, जो मंथली वीडियो आप लोगों को पूरे महीने की एक्सपेक्टेशन को बयां कर देते हैं। तो मैजिकल फिगर डेली भी देखना है और मंथली भी देखना है। ये पूरा स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया है? ये पूरा स्ट्रक्चर इसलिए बनाया गया है क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है कि हमारे पास इन्वेस्टिंग के लिए पैसा ही नहीं बचता है, या फिर हमें ट्रेडिंग नहीं आती है, और ट्रेडिंग करने के लिए सिर्फ आंकड़ों की ज़रूरत होती है, और वो आंकड़े तहे दिल के साथ, भरपूर मेहनत के साथ आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर आप लोग खूब सारा पैसा बना सकते हैं और उसे इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग के लिए कन्वर्ट करना है। अब इन्वेस्टिंग कहाँ करनी, ये भी आप लोगों के दिल में बहुत बड़ा सवाल रहता है, तो उसके लिए भी एक वीडियो स्टार्ट करी हुई है, हर घर वॉरेन बफे की पहल। तो जो ट्रेडिंग है, डेली वीडियोज़ भी देख सकते हैं, मंथली वीडियोज़ भी देख सकते हैं, और पैसा जो भी बना रहे हैं आप लोग उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की कहानी में हम समझेंगे महत्व मैजिकल लेवल का। एक चोर होता है, चोर एक महात्मा के पास जाता है, खुद अपने आप से बहुत परेशान रहता है, महात्मा के पास पहुंचता है, महात्मा को साष्टांग प्रणाम करता है और महात्मा के सामने अपनी इच्छा एक्सप्रेस करता है कि महात्मा जी, मुझे ये चोरी का काम काज छोड़ना है। महात्मा जी एकदम जैसे ही सुनते हैं और एकदम फख्र के साथ कहता है, भाई साहब, महात्मा जी, मैं चोर हूँ, मैं चोरी का काम छोड़ना चाहता हूँ। महात्मा जी जैसे ही सुनते हैं, महात्मा जी के कानों में जैसी आवाज़ आती है कि वो चोर है, तो इमीडिएट रिस्पॉन्ड करते हैं, मैं तुझे सुधार सकता हूँ। चोर कहता है, कैसे? मेरी आदत छूटी नहीं रही है, बार बार मुझे चोरी करने की इच्छा करती रहती है, और जब भी मुझे कोई चीज़ की आवश्यकता होती है तो पहला थॉट मेरे दिमाग में ये स्कैनिंग करने लगता है मेरा दिमाग, कि मैं कहाँ पर चोरी कर सकता हूँ और कहाँ से अपने पैसों का प्रबंध कर सकता हूँ। महात्मा जी उसे सलाह देते हैं, अब जब भी तू कहीं पर चोरी करने जाएगा, चोरी करने के बाद या फिर चोरी करने के पहले, जो भी जगह तेरी टारगेट होगी चोरी करने के लिए, उस जगह के मालिक को चोरी करने के बाद बता देना कि मैंने चोरी की है, या फिर चोरी करने के पहले बता देना कि मैं आपके यहाँ चोरी करने वाला हूँ। तो अब ये एक्चुअली जो चोर बना हुआ है ना, ये एक्चुअली यूजुअली जो चोर होते हैं, ये लोगों को परिणामों का एहसास नहीं होता है कि इस चोरी के आगे परिणाम क्या हो सकते हैं। तो महात्मा जी भी महात्मा है, इसलिए उसको इतनी बड़ी सलाह दी है। चोर भी सोचता है कि ठीक है, महात्मा जी ने बोला है तो ऐसे ही करके देखूंगा। स्कैनिंग करता है, पहुंच जाता है घर में, और जैसे ही वो चोरी करने के लिए अपना बैग भरने की कोशिश करता है, उसके कानों में महात्मा जी के शब्द गूंजने लगते हैं कि बेटा, चोरी तो कर रहा है, चोरी करने के बाद या फिर चोरी करने के पहले इस जगह के मालिक को बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर चोरी करने आया हूँ। जैसे ही वो थॉट मन में लाता है कि मैं मालिक को जाके बताऊंगा, वैसे ही उसके इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है उसको उसके माइंड से कि बॉस, अगर मैं चोरी करने के बाद भी बताऊंगा, पहले भी बताऊंगा, तो कॉन्सिक्वेंसेज एक ही होंगे, सामने वाला पुलिस को इन्फॉर्म करेगा, पुलिस मेरे को पकड़ेगी, पुलिस फिर जेल लेके जाएगी, मुझे ठोकेगी, मुझे मारेगी, मुझे पीटेगी और हवालात में बंद कर देगी। जैसे ही उसे ये सब परिणामों का आभास होता है, वो उस जगह की चोरी करना भूल जाता है। ऐसे ही 8-10 बार ट्राई करता है, बार बार यही चीज़ होती है, यही चीज़ उसके साथ रिपीट होती है, चोरी ही नहीं कर पाता, वो परेशान हो जाता है। जब परेशान हो जाता है, चोरी नहीं कर पाता, तो वो वापस महात्मा के पास जाता है और कहता है, महात्मा जी, आपने मुझे क्या सलाह दे दी है,
मैं तो चोरी ही नहीं कर पा रहा हूँ। बार बार जब मैं चोरी करने जाता हूँ तो मुझे वो जेल, मुझे वो पुलिस और मुझे वो कुटाई ध्यान में आती है और मैं चोरी नहीं कर पाता हूँ। महात्मा जी कहते हैं बस इसीलिए मैंने तुझे सॉल्यूशन दिया था और तू आया भी मेरे पास इसी पर्पज से था कि तू चोरी छोड़ना चाहता है। जैसे ही महात्मा जी उसको बोलते हैं अब तुझे पता चल चुका है कि इसके परिणाम क्या होंगे, तो तेरी चोरी करने की हिम्मत नहीं हो रही। तो आप सोचिए महात्मा जी ने कितने दिमाग लगा के उसको इतनी बढ़िया सलाह दी जिससे उसको चोरी करने की हिम्मत नहीं पड़ रही। और वो चोरी करने की हिम्मत सिर्फ इसीलिए नहीं पड़ रही क्योंकि उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है। बस मैजिकल फिगर, मैजिकल फिगर की अगर हम अगेंस्ट में ट्रेड डालते हैं, मैजिकल फिगर की अगर हम अगेंस्ट में ट्रेड डालते हैं तो हम इवेंचुअली मार्केट के ट्रेंड को अनफॉलो कर देते हैं। और अगर मार्केट के ट्रेंड को अनफॉलो कर देते हैं तो मार्केट फिर हमारी पोजीशन के अगेंस्ट में जाकर बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। जब भी आप लोग कोई ट्रेड डाल रहे हैं या फिर जब भी आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो अपने आप से पूछिए क्या मैं मैजिकल फिगर के अगेंस्ट में काम कर रहा हूँ। और अगर मैजिकल फिगर के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं तो भी इंटेलिसेंस ने एक रूल बनाया हुआ है जो पुराने बहुत सारे वीडियोस में कहे हुए हैं कि अगर मोमेंटम ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हो, छोटी मोटी रैली को कैपिटलाइज करना चाहते हो, तो अपनी कैपेसिटी को 75% से रिड्यूस कर लो ताकि अगर कोई सेटबैक लगे, अगर कोई धक्का लगे तो भी वो आप लोगों को सिर्फ 25% का लगे। ये तो रूल हमने दिया है और वो रूल हम तो चाहते ही नहीं कि आप 25% भी काम ट्रेंड के अगेंस्ट में करें। लेकिन फिर भी मैं भी ट्रेडर रह चुका हूँ, मैं भी इन्वेस्टर हूँ, मैं भी बाजार को पिछले 18-19 सालों से ट्रैक कर रहा हूँ और मुझे मालूम है कि अंदर किस तरह के हार्मोन्स डेवलप होते हैं जो चाह के ना चाह के हमें कुछ गलत काम करने के लिए, जब कोई ट्रेड ही नहीं बनता तो कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती रहती है अंदर से। तो उस इच्छा को मारने के लिए कहा हुआ है कि अगर कोई मैजिकल फिगर के अगेंस्ट में काम कर रहे हो, ट्रेंड के अगेंस्ट में काम कर रहे हो, तो 25% कैपेसिटी से काम करो और हो सके तो उसे अवॉइड करो। तो मैजिकल फिगर अगर आप लोग फॉलो नहीं करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस समझ लीजिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। जिस तरह से वो चोर को महात्मा जी की सलाह लगी कि अगर मैं चोरी करने के बाद मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, कितना गलत हो सकता है उसके साथ, तो आप लोगों को भी ये मैजिकल फिगर को पहले ही कंसिडर करना है, दिमाग में रखना है, सोचना है कि अगर मैं इस मैजिकल फिगर को फॉलो नहीं करता तो कहीं मेरी पोजिशन इतनी तो नहीं है कि जो नुकसान हो सके उससे वो मेरे बर्दाश्त से बाहर हो। हमेशा ध्यान रखिए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी रेडी करके रखिए। नॉर्मल कामों में प्लान बी तक ठीक होता है लेकिन यहाँ पर कब कौन सा दिन खराब हो जाए और आपको मार्केट से आउट कर दे बाजार, वो दिन तक नहीं पहुँचना है हमें। तो हमें अपनी कैपेसिटी को पहले से माप तौल के रखना है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है और मैजिकल फिगर को हमेशा फॉलो करना है। मैं आप लोगों को डेली मैजिकल फिगर भी देता हूँ, मंथली मैजिकल फिगर भी देता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को मंथली एक्सपेक्टेशंस की रेंज बताऊंगा और साथ ही साथ दूंगा मैजिकल लेवल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंथली एक्सपेक्टेशन। तो दोस्तों चलिए अब करते हैं बात जून मंथ में क्या पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इन सारी कमोडिटीज के क्या सपोर्ट होंगे, क्या रेजिस्टेंस होंगे और क्या होंगे मैजिकल लेवल्स। लेकिन आगे जून मंथ की एक्सपेक्टेशंस को के ऊपर डिस्कशन करने के पहले हमने मई मंथ में क्या एक्सपेक्टेशंस ली थी, क्या हुआ, पहले उसका रिव्यू कर लेते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे जून मंथ की। तो कहानी को तो आप लोगों ने अच्छे से सुन ही लिया होगा, कहानी की भी बात करेंगे लास्ट में, पहले कर लेते हैं रिव्यू। 6780 का मैजिकल फिगर दिया था मई मंथ के लिए, 6250 का हाई पोस्ट किया, दूर दूर तक बाजार मैजिकल फिगर तक आ नहीं पाया, बाजार को मैंने साइडवेज कहा था। 5545 का लो पोस्ट किया और ये ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसको लो पोस्ट किए, कल 31 मई को ही इसने इस लो को पोस्ट किया है, नहीं तो वरना बाजार 5800 के लगभग चल रहा था, 5900 के लगभग चल रहा था। 5545 का लो पोस्ट किया, हमारे पास सपोर्ट था 5680 का और इसका हाई 6250 का है, अपने पास रेजिस्टेंस था 6510 का। मैं डेली वीडियोस में बताता हूँ कि अगर पहला सपोर्ट कट जाए तो वो उसके लिए बन जाता है रेजिस्टेंस। ये जो आंकड़े मैं आप लोगों को देता हूँ इन आंकड़ों को कैसे यूज करना है उसके लिए एक वीडियो डाली हुई है, उसे जरूर देख लीजिएगा। मैं टीम को बोलूंगा ऊपर आई बटन में वो उस वीडियो की लिंक को डाल दे जिसका नाम है लाइन मारो पैसा बनाओ। जो लोग ऑलरेडी पैसा बहुत सारा बना रहे हैं या फिर छोटा मोटा जो भी बना रहे हैं उसे इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया होगा आप लोगों ने, नहीं किया तो अभी कर दीजिए। आप लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है
हर घर वॉरेन बफे की पहल। साथ ही साथ वेबसाइट को जरूर विजिट कर लीजिए www.intellisys.app, डिस्काउंट रिसर्च डिस्काउंट रेट पे, यानी कि आप अपने फेवरेट स्टॉक्स 40 रुपए में ले सकते हैं, कमोडिटीज के लेवल 250 रुपए में ले सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल रेट पर, पे एंड गो आपके लिए ये है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा लगता है कोई पोजीशन में फंस गया है उसे सपोर्ट की जरूरत है तो भी उसे वेबसाइट विजिट करने कह सकते हैं। और पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइएगा जिसका नाम है इंटेलिसिस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग, ब्रैकेट में लिखा जिकमी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का अस्पताल। तो चलिए लिए चलता हूँ पहले चार्ट में, क्योंकि इन आंकड़ों को देखकर विजुअल क्लियर नहीं होता कि कहां कहां से पैसा बना होगा, तभी तो वो वीडियो डाली है लाइन मारो पैसा बनाओ। ये रहा क्रूड ऑयल का चार्ट। अब बाजार जब ओपन हुए 6200 के आसपास और उसके बाद आप देखिए मेरे ख्याल से 3 या 4 दिनों में बाजार 6040 के आसपास आके रुक गए थे। 6040 के नीचे उस दिन की कैंडल क्लोजिंग हुई जिस दिन इसने फॉल दिया था। चलिए मैं आप लोगों को तारीख भी बता देता हूँ, ये था 2/5/2 तारीख को, यानी सिर्फ 2 तारीख को ही बाजार 6040 के नीचे आके रुक गया था। तो ये जब रुक गया था पहले सपोर्ट को काट चुका था, पहली बात तो बाय करना नहीं था। अगर मान लेते हैं किसी ने बाय किया भी होगा, बहुत टेम्पटेशन होता है बाजार के भाव को देखकर, कभी लगता है बाय कर लूं सेल कर लूं बाय कर लूं सेल कर लूं। चलिए बाय भी किया होगा तो मैं मानता हूं कि हमारा एक रूल है कि अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में कोई बाय कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं तो उसको सिर्फ 25% कैपेसिटी से काम करना है, और अगर ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं तो आप पूरी कैपेसिटी से काम कर सकते हैं। 6750 का मैजिकल फिगर था तो बाजार का ट्रेंड डाउन था, तो आप लोगों को अगर बाय करना है तो 25% कैपेसिटी से काम करना है। कुछ बेसिक रूल्स हैं जिसको मैं डेली वीडियोस में भी बताता रहता हूं, तो डेली वीडियोस को भी देखना मत भूलिए। 6040 के नीचे की स्टेबिलिटी आने के बाद 5870 तक का क्लियर कट विजन था। देखिए आप सीधे वहीं तक गिरा, बाजार बीच में रुका नहीं, कोई पुलबैक नहीं आया, और उसके बाद जब दूसरी रेड लाइन कट गई उसके बाद बाजार में सीधे 5680 तक का लेवल था, 5680 तक का लेवल था, और मेरे ख्याल से 5550 का, ओहो नहीं 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 मैं राउंड था जो शुरुआत में कहा, ये बाजार 4/5/2023 को भी इसने लो पोस्ट किया था 5582 का, 5582 का लो था, लेकिन सेम डे बाजार 5680 के ऊपर आ गए, 5680 का फिर बेस बना ली। ये जो मूवमेंट आती है ना, ये तीसरे सपोर्ट के नीचे आप देखिए 100-150 रुपए तोड़ा था। ये मैं कई बार वीडियोस में बताता हूँ, मरता आदमी तड़पता, मोमबत्ती बुझने के पहले फड़फड़ाती, उसी तरह की मूवमेंट थी। सेम डे इसने रिकवरी मारी और 5680 का बेस बना लिया, यानी कि एक्चुअली बाजार को 5680 के नीचे जाना नहीं था, लेकिन डेली मार्जिन ट्रिगर होते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी बड़ी पोजीशंस होती हैं, उनके मार्जिन ट्रिगर होने के लिए बाजार को आड़ा पेड़ा कुछ घंटों के लिए चला दिया जाता है। तो आप देखिए 5680 का कैसे इसने बेस बनाया, फिर क्लियर विजन बन चुका था 5870 के लिए, तो यहाँ पर 20,000 रुपए मिले। मेरे ख्याल से शुरुआत से लेकर शुरू के 5 दिन में ही 4-500 रुपए आराम से मिल गए थे। फिर 5680 का इसने बॉटम बनाया 5870 तक का, 5870 और 6040 के बीच में इसने बहुत बार 1, 2, 3, 4, 5 कम से कम 4 बार इसने ऊपर नीचे 5700 के आसपास आया, 6000 के आसपास गया, 5700 के आसपास आया, 6000 के आसपास गया। बाय कर रहे होगे तो भी पैसा मिल रहा होगा, सेल कर रहे होगे तो भी पैसा मिल रहा होगा। 6040 के आसपास वापस से किसी ने बेचा होगा, जो कि हमारा थर्ड एक्चुअली पहले तो सपोर्ट था लेकिन जब ये टूट चुका तो ये रेजिस्टेंस बन चुका था। 6040 के बाद उसने उसी के आसपास बहुत दिन टहला और फिर बाजार वापस से ध्वस्त हो गए। तो बाजार को अगर ओवरऑल मैं कहूँ तो इसमें बाय करने वाला बाजार तो बिल्कुल नहीं था, स्पेशली इस वजह से क्योंकि ये तीनों सपोर्ट के नीचे आ चुका था। नो डाउट हमारा एक स्टॉप लॉस भी हुआ, लेकिन ठीक है उस समय बाजार थोड़े ट्रेंड रिवर्सल वाले पैटर्न बना रहे थे, लेकिन कभी कभी हमें भी धोखा दे देते हैं। तो 6040 के आसपास इसका जो बेस बना हुआ था, मैं कई बार वीडियो में भी कहता था ये बढ़ेगा तभी बढ़ेगा जब ये 6250 काट लेगा। ये उन्हीं लोगों को मैं इनडायरेक्टली मैसेज देता था कि भैया अगर कोई तेजी वेजी पकड़ के बैठे हो तो पोजिशन कम कर लो या फिर ऑप्शन को सेल कर लो, क्योंकि हम ऑप्शन को सेल करके भी बहुत अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं। तो बाजार में मेरे ख्याल से इस वीडियो को आधार बनाया तो आराम से 20-30 हज़ार रुपये कमाने वाला बाजार था। बात करेंगे, पहले रिव्यू कर लेते हैं सारी कमोडिटीज का, फिर बात करेंगे इस मंथ की एक्सपेक्टेशन की। 221.70 का नेचुरल गैस का लो हाई पोस्ट हुआ, 227.50 का रेजिस्टेंस लेवल दिया था, यहाँ तक तो नहीं गया बाजार, 168.40 का सपोर्ट लो पोस्ट किया, 167 का सपोर्ट लेवल दिया था, सपोर्ट से बराबर रिकवरी मारी बाजार ने, 190 की क्लोजिंग हुई है। लिए चलता हूँ आप लोगों को चार्ट में, ये चार्ट ही है जो आपको और मुझे सबको हम सबको बचा सकते हैं। दुनिया का सबसे आसान चार्ट, ना ज्यादा इंडिकेटर लगाने ना कुछ करना है,
अभी आप ये देखिए 167 के आसपास से क्लियरिटी थी, 181 तक की, 181 के आसपास आया, फिर बाजार इसके ऊपर टिक गया बहुत बहुत टाइम तक, यहाँ एक दो दिन यहीं पर टहलता रहा, और फिर जब 181 के ऊपर टहल चुका था तो मैं, मेरा ख्याल से मेरे एक दिन का मैजिकल फिगर भी 180 का था डेली वीडियो में, 180 का बॉटम बनाया, डेली वीडियो का रेफरेंस लिया होगा तो आप लोगों को 181 का सपोर्ट इधर भी मिल रहा था, फिर यहाँ से सीधे सीधे क्लैरिटी 207 तक की, 207 को भी काटा बाजार ने और 221 तक गया, और हमारा मैजिकल फिगर कितना था 240 का, 227.50 तक जाने की कोशिश किया लेकिन जा नहीं पाया बाजार। तो ये मैजिकल फिगर की लाइन मेरे ख्याल से मुझसे गलत पड़ गई है, 240 की होनी चाहिए, यस 240 की होनी चाहिए, तो ये पिंक लाइन जो है वो एक्चुअली होना चाहिए था 240 की। तो बाजार आप ये देखिएगा, अगर इस पिंक लाइन को इग्नोर करें तो 207 के ऊपर गया तो जरूर लेकिन उसके ऊपर टिक नहीं पाया, ये सिर्फ वही अभी जो मैंने शुरू में बताया आप लोगों को, मरता आदमी तड़पता, मोमबत्ती बुझने के पहले फड़फड़ाती है, 207 के बाद वही मूवमेंट हुई और जब उसने रियली वापस से 207 के नीचे की ट्रेडिंग चालू की तो वापस से बाजार आज की डेट में 1 तारीख का बाजार 187 का भाव चल रहा है, तो ये बाजार 186 में आगे खड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है एक ट्रेड आप लोगों को 167 से 180 का मिला, 181 से 207 तक का मिला, 207 के ऊपर तो अपने पास कुछ था ही नहीं, 207 के नीचे आने के बाद वापस से बाजार 180 यानी कि 3-4 बार 50-60 रुपए की मूवमेंट मिली। मैं कहता हूँ इतना सबके बस का नहीं होता कैपिटलाइज करना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 10-20 रुपए कैपिटलाइज आराम से की होगी, यानी 10-20 हजार रुपये कमाना आसान था। बात करूंगा गोल्ड का हाई पोस्ट हुआ 61845 का, रेजिस्टेंस लेवल दिया था 61350 का, लो पोस्ट हुआ है 59225 का, सपोर्ट लेवल दिया था 59000 का। मोर और लेस अगर देखें तो रेजिस्टेंस से कुछ 500 रुपए ऊपर गया, तीसरा रेजिस्टेंस भी था 62900 का, वहां तक नहीं गया, ये भी वही वाली बात थी 61350 के ऊपर सिर्फ टहलने गया हुआ था बाजार। लिए चलता हूँ चार्ट में, आंकड़े देखकर तो मुझे भी नहीं समझ में आता, तो मैं आप लोगों को कैसे बोल सकता हूँ कि यहाँ चार्ट ना बनाए, चार्ट ही है जो आप लोगों को बचा सकते हैं। ये देखिए बाजार, जब बाजार ओपन हुए तो पहली जो ब्लू लाइन है वो रेजिस्टेंस लाइन है और पिंक रेड लाइन जो है सपोर्ट लाइन है और पिंक लाइन मैजिकल लाइन। अब आप ये देखिए जब बाजार ओपन हुए थे तो उसके मेरे ख्याल से कौन सी तारीख थी, ये एक बार तारीख भी देख लो, 2-5 यानी दो ही दिन में बाजार पहले रेजिस्टेंस के ऊपर आ चुका था, यानी 60540 के ऊपर, ये जो पहली ब्लू लाइन है इसके ऊपर टिक गया बाजार, तो 61350 तक का क्लियर कट विजन था, यानी कि 800 रुपए यानी कि 80000 रुपए प्रति लॉट में मिल सकते थे। किसी ने 61350 में भी बेचा होगा तो भी उसको वापस से बाजार 60600 तक का मिला, यानी कि वापस से एक बार 800 रुपए यानी 1600 रुपए, और 60600 के नीचे की स्टेबिलिटी जब आई बाजार में, आप देख लीजिए चार्ट में एक बार इसने ब्रेक किया 16 तारीख को, तारीख कौन सी थी 16/5/2023 का दिन है और आज हम 1 तारीख पकड़े, तब से बाजार 60600 के ऊपर गया नहीं और पहली रेड लाइन के आसपास आके बाजार ने वापस से पलटी मारी, यानी एक बार प्रॉफिट बुकिंग आई। तो एक बार 500 रुपए, एक बार 700 रुपए, एक बार 1400 रुपए और 60600 से 59200 यानी कि यहाँ पर वापस से एक 1500 रुपए, यानी 1500 और 1200 बार 2600 रुपए, 2600 रुपए के लिए आप लोगों के पास चांद थी, लेकिन मुझे भी पता है कि पूरी बातें कैपिटलाइज करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी 500-700 रुपए भी कैपिटलाइज किए होंगे तो 50-60 हजार रुपए बच्चे बने होंगे। मैजिकल फिगर कटा नहीं है, अभी तक भी नहीं कटा है, बाजार को बताया था मैंने साइडवेज और वैसा ही रहा बाजार। सिल्वर का हाई पोस्ट हुआ है 78098 का, रेजिस्टेंस लेवल दिया था 78700 का, लो पोस्ट हुआ है 70156 का, सपोर्ट लेवल दिया था 70600 का, यानी कि ये भी मोर और लेस 500 पॉइंट इसने रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंच पाया तो 500 पॉइंट सपोर्ट से ज्यादा 400 पॉइंट ज्यादा तोड़ा। क्लोजिंग हुई इसकी कल की 72102 पे। लिए चलता हूँ चार्ट में, मुझे लगता है सिल्वर में बहुत पैसा मिला होगा। अब ये देखिए बाजार जब ओपन हुए तो ये 76500 के ऊपर जब निकले तो मुझे आज भी याद है मैंने उस दिन का रेजिस्टेंस दिया था जिस दिन इसने टॉप लगाई थी, डेली चार्ट में वेरीफाई करिएगा इस बात को, डेली वीडियो से डेली चार्ट को, मैंने उस दिन 78700 का रेजिस्टेंस लेवल दिया था, 77800 का, और बाजार में 78098 का हाई पोस्ट, यानी उस डेली वीडियो के रेजिस्टेंस से बाजार वापस से ध्वस्त हो गया।
और ये मर्द आदमी तड़पता वाली मूवमेंट थी। आप ये चीज ये देखिए, 76,500 का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था वो इवेंचुअली पहले तो एक बार कटा तो सपोर्ट बन गया, लेकिन उस सपोर्ट को वापस से तोड़ने के बाद बाजार उसके ऊपर गया ही नहीं और सीधे बाजार गिरा 72,500 तक। यानी 76,500 को अगर इस विजुअलाइज किया होगा चार्ट को बना के, तो आपके पास आराम से 4,000 पॉइंट कमाने की प्रूफ पॉसिबिलिटी थी। अगर ये कमाए होगे तो एक बार जय श्री माँ का लाओ माल लिख के भेजिएगा। मुझे लगता है 4,000 नहीं 1,000 पॉइंट भी कमाए होगे तो भी 30,000 रुपये कहीं नहीं गए। बात करूंगा कॉपर की, कॉपर का हाई पोस्ट हुआ है 760.70, यहाँ तो पैसा बना होगा। लो पोस्ट हुआ है 695.80 का, सपोर्ट लेवल दिया था 691 का। 760.70 का है, 763 का रेजिस्टेंस लेवल दिया था, 775 का मैजिकल फिगर दिया था, बाजार को बताया था साइडवेज। और आज देख लो बाजार कहां पे खड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट 716 रुपए पे खड़ा हुआ है। मैजिकल फिगर ऊपर का था, रेजिस्टेंस लेवल था और वहां से बाजार। चलिए चार्ट में ये चलता हूं आप लोग को, ये रहा कॉपर का चार्ट। ओपन होने के बाद बाजार के पास सीधे एक ही जगह जाने का मौका, एक ही जगह जाने का चांसेस था 763 से 729 तक। 30 रुपए की मूवमेंट किसको कहते हैं, 75,000 रुपए प्रति लॉट। अब आप ये देखिए 729 का आंकड़ा कटने के बाद 5 रुपए भी ऊपर ट्रेड नहीं हुआ, पहले ट्रेड हुआ 702 का, यहां पर वापस है 30 रुपए। फिर 709 कटने के बाद बाजार एक दिन गैप डाउन ओपन हुए थे 695 के आसपास और फिर वापस से फुल बैक देखिए 709 के ऊपर स्टेबल हो गए। और आज बाजार का भाव 1/6/2023 को 718 रुपए के आसपास खड़ा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो कोई कमाया नहीं कमाया अलग बात है, लेकिन पैसा बचाया बहुत होगा क्योंकि मैजिकल फिगर ऊपर का था, पास ही रेजिस्टेंस था, वहां से टूटने के लिए 30 पॉइंट थे और जिसने कमाया उसने 50-60 हजार रुपए भी कमाए। बात करूंगा जून मंथ के क्या क्या एक्सपेक्टेशंस नजर आ रही है, साथ ही साथ ट्रेंड बताऊंगा आप लोगों को। क्रूड ऑयल आज का जो भाव चल रहा है वो भी डिस्कस कर लूं। अभी भाव चल रहा है 5600 रुपए का, इसका आज का है एक तरीका 5697 का लो है, 5589 का ऑलमोस्ट लोअर लेवल पे खड़ा हुआ बाजार। पहला सपोर्ट 5280, कल की वीडियो में 31 तारीख की वीडियो में मैंने कहा भी था बाय करने की जल्दबाजी मत करना। दूसरा सपोर्ट 5050, तीसरा सपोर्ट 4700, पहला रेजिस्टेंस 15900। कोई भी तेजी आनी तो इस लेवल को कटना होगा, इस स्टेटमेंट को नेक्स्ट मंथ में यूज करूंगा। दूसरा रेजिस्टेंस 6035 और 6150 और मैजिकल फिगर की बात लास्ट में करता हूँ। नेचुरल गैस जून वायदा अभी चल रही है 186.20, इसका हाई है 189.20 का, लो है 185.80 का। पहला सपोर्ट 184.10, ये कटा तो सीधे 165.30, ये कटा तो ये उसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। तीसरा सपोर्ट 143.30, पहला रेजिस्टेंस 208.15, कोई भी तेजी आनी तो इस आंकड़े को कटना पड़ेगा 217.50 और 227.50 और इसके बाद होगा मैजिकल लेवल। बात करूंगा गोल्ड की, गोल्ड अभी चल रहा है 60,000 अगस्त वायदा, इसका हाई पोस्ट हुआ है 60,115, लो पोस्ट हुआ है 59,685, पहला सपोर्ट 58,740, 57,400 और 55,780, पहला रेजिस्टेंस 60,330, 60,600 और 61,450। अगर ये आंकड़ा कटा 61,450 का तो 63,000 का भाव भी दिख सकता है। बात करूंगा सिल्वर की, सिल्वर अभी चल रही है 71,700, इसका हाई पोस्ट हुआ है 71,999 का, लो पोस्ट हुआ है 71,185 का, अभी चल रही है 71,700, पहला सपोर्ट 69,750, 67,600 और 64,000। अगर कोई मंदी ट्रिगर होनी है तो उसको 69,750 का आंकड़े को कटना पड़ेगा। पहला रेजिस्टेंस 72,700, 74,000 और 75,000, 75,000 का आंकड़ा कटता है तो बाजार मेरे ख्याल से फिर यहाँ से तेजी अच्छी पकड़ सकता है और फिर 80,000-85,000 के भाव भी लग सकते हैं, लेकिन उसकी पहले इसको 75,000 का लेवल करना पड़ेगा। अगर मगर को ध्यान दीजिएगा। बात करूंगा कॉपर की, कॉपर अभी चल रही है 717, इसका हाई है 717.95 का, लो है 711.15 का, पहला सपोर्ट 707, कोई मंदी ट्रिगर होनी तो इस लेवल को कटना पड़ेगा। 693 और 693 अगर कट गया तो 663 तक वर्स्ट केस में आ सकता है यार, उसमें कोई दो राय नहीं। 707 का फिगर ध्यान में रखिए, पहला रेजिस्टेंस 722.50, 732 और 744, इसके बाद होगा मैजिकल लेवल। बात करूंगा मैजिकल लेवल की और बात करूंगा ट्रेंड की। क्रूड ऑयल का मैजिकल फिगर है 6250, अगर ये आंकड़ा कटा तो हो सकता है 7,000 के पार, लेकिन इस आंकड़े को कटना पड़ेगा 6250 का। बाजार अभी तो आज के सिनेरियो में, आज की करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से डाउन लगते हैं, लेकिन ये बाजार
कभी भी जब भी रिवर्सल आए तो आप इनको समझना चालू कर दीजिए कि कब ये साइडवेज हो रहा है, कब ये लॉन्ग हो रहा है, कब ये बेरिश हो रहा है। इसके लिए आपको डेली वीडियोस देखने होंगे जहां पर मैं रोज लाइव आता हूं, रोज अपडेट करता हूं। बाजार आज के प्राइस के हिसाब से लगता है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में डाउन। नेचुरल गैस का मैजिकल फिगर है 240 का, बाजार लगता है डाउन। गोल्ड का मैजिकल फिगर है 57,000 का, 57,000 का मैजिकल फिगर, 57,000 का मैजिकल फिगर कटता है तो बाजार में एक शॉर्ट टर्म में करेक्शन ट्रिगर हो सकता है 55,780 का। तो 57,000 बाजार एक्चुअली अगर मैं बोलूं तो आप लोगों को 61,500 का तेज नहीं लगता, 57,000 का मंदा नहीं लगता जून मंथ में, बाजार लगता है साइडवेज। सिल्वर का मैजिकल फिगर है 75,800 का मैजिकल फिगर होगा, 75,800 का अगर मैजिकल फिगर कटता है तो बाजार में लॉन्ग और अच्छी खासी तेजी बन सकती है, लेकिन उसके लिए उसको 75,800 के फिगर को काटना पड़ेगा, बाजार लगता है साइडवेज। इस मंथ के बाद इस सिल्वर की भी एक्सपायरी आएगी। कॉपर का मैजिकल फिगर है 764, बाजार लगता है डाउन। तो अब आपके पास सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, मैजिकल फिगर है, सब कुछ है कि नहीं, तो इन लेवल्स के आधार पर आप लोग बढ़िया बढ़िया ट्रेड बना सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को कहानी में बताया, जो गुरुजी रहते हैं और उसके पास एक बंदा आता है शिष्य कि भाई मुझे चोरी छोड़नी है, मुझे ऐसा कुछ उपाय बताइए कि मैं इस चोरी को छोड़ दूं, और आप लोगों ने कहानी में तो सुन ही लिया, वापस से मैं कहानी को रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से चोर चोरी करने जाता है और उसको बार बार गुरुजी की बात याद आती है और वो चोरी नहीं कर पाता, वैसे ही आप लोग अपने आप से पूछिएगा, अपने आप को रिमाइंड कराइएगा कि भाई क्या मैं मैजिकल फिगर को फॉलो कर रहा हूँ। अगर मैजिकल फिगर को फॉलो नहीं कर रहे तो अपनी क्वांटिटी को, मोमेंटम ट्रेड बना रहे तो क्वांटिटी को कम कर लो या फिर ट्रेड को अवॉइड करो। तो मुझे लगता है जैसे वो चोर चोरी नहीं कर पा रहा था, उसी तरह से, क्योंकि उस चोर को अनुभूति हो जाती थी कि अगर मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया, फिर मैंने चोरी करने के बाद जिसके यहाँ चोरी की उसको बता दिया तो मुझे जेल भेज देगा, उसी तरह से आप लोगों को भी सोचना है अगर मैजिकल फिगर को फॉलो नहीं करता तो मुझे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। उस नुकसान से डरना नहीं है, उस नुकसान से डरना नहीं है, अगर डरोगे तो ट्रेड नहीं डाल पाओगे, लेकिन उस नुकसान को पहले से एक्सेप्ट करके चलना है कि मैंने मैजिकल फिगर को फॉलो किया है, और अगर नहीं किया तो अगर उल्टे ट्रेड डाल रहा हूँ मैं, मोमेंटम ट्रेड बना रहा हूँ मैं, तो मैजिकल फिगर को फॉलो ना करके मैं अगर इतना नुकसान कर सकता हूँ तो मुझे एक्सेप्टेड है, तो मुझे लगता है लॉस होने की गुंजाइश कम हो जाएगी या फिर लॉस होना कम हो जाएगा। और अगर लॉस होना कम हो जाएगा, लॉस नहीं होना बंद हो जाएगा, स्वाभाविक रूप से प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को कहानी, लेवल, सब कुछ बहुत पसंद आ रहा है। अगर बहुत पसंद आ रहा है तो और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी मेरे द्वारा बताई हुई रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके बना सके पैसा। सारी वीडियोस लेके आता हूँ मैं, इंडेक्स की वीडियो लेके आता हूँ, जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं स्टॉक स्पेसिफिक की रणनीतियाँ लेके आता हूँ मैं, और साथ ही साथ MCX की, इंडेक्स की मंथली वीडियो लेके आता हूँ मैं, यानी कि आगे पूरे महीने में क्या पॉसिबिलिटी बनती है वो बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर आपके पास ये आंकड़े हैं तो ही आप लोग इस बाजार से जीत सकते हैं, अगर ये आंकड़े नहीं तो फंडामेंटल टेक्निकल कुछ भी कर लो आप, कुछ काम का नहीं, ये आंकड़े ही है जो आप लोगों को जिता सकते हैं, और मैं आप लोगों को ये आंकड़े देता हूँ। अगर आंकड़े अच्छे लगते हैं तो और भी लोगों के साथ शेयर करिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जो मार्केट से निगेटिव होकर बैठे हैं। साथ ही साथ डेली वीडियोज को देखिए, अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाइए, परफॉर्मेंस बनाइए, अच्छी अच्छी आदतें डालिए, पैसा बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।